आपका भाई देखिए इतने गर्मी में कोलकाता में इतने रिस्ट्रिक्शन के अलावा भी वीडियोस बना रहा है आप सबके लिए. नो मैटर वेर आर यू फ्रॉम यू हैव हर्ड हिज नेम एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम. बाहर तो निकल आया हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है. नॉर्थ को जाना है, साउथ को जाना है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी गूगल मैप के भरोसे चल रहा हूँ. तो फिलहाल तो रोड पे आपसे मिलते हैं फिर हमारे टैगोर साहब के घर पे. यार बहुत ऐसे गर्मी में आप सबके लिए वीडियोज बना रहा हूँ. आप तो जानते ही कोलकाता की गर्मी बहुत परेशानी होती है. प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. जितना सम्मान हम अपने राष्ट्रगान को देते हैं उतना ही सम्मान हमारे राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी देते हैं. और आज मेरे कोलकाता सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही मैं आपको लेके आया हूँ हमारे राष्ट्रगान के लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर. तो चलिए स्वागत है आप सभी को. तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं हमारे अपने टैगोर साहब का घर. जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करके थोड़ा बहुत वीडियो लिया है मैंने. यहाँ पे वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रोहिबिटेड है. आप फोटोज़ ले सकते हैं यहाँ पे बाहर, लेकिन अंदर तो ना ही फोटोज़ ले सकते हैं ना ही वीडियोस ले सकते हैं. अंदर यानी कि जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की खुद के कमरे है, उनके बेड्स है, किताबें है, पेंटिंग्स है और टेबल चेयर सब कुछ वैसा का वैसा ही है. बहुत ही सुंदर है. अगर आप कभी भी कोलकाता आए तो टैगोर साहब का घर जरूर विजिट कीजिएगा. कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पूरा अपना बचपन बिताया है और साथ ही साथ जब वो अपने लाइफ के अंतिम पलों पे थे तब भी वो यहीं पे थे. ये एक किस्म का एक्साइटिंग है. जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान लिखी है उनके घर आना, उनके चीज़ों को देखना, पुराना ही हो सही लेकिन बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही एक्साइटिंग है. अगर आप कोलकाता आए हो और अगर आपने टैगोर साहब का घर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा. विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी, ये सब तो लोग देखते रहते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है मतलब ये हीरा वो यही है. भले ही आपको वीडियोग्राफी अलाउ ना हो यहाँ पर, भले ही आप यहाँ पर अपना वीडियोज़ ना ले सके, फिर भी जितना भी आप अपने आंखों से देखेंगे वो बहुत है आपके लिए. बाहर ही बाहर ले सकते हैं फ़ोटोज़ भी. और ये जो टिकट है 20 रुपया एंट्री का है और 50 रुपया जो आप फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे उसके लिए. बाकी आपको कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पे. बाकी यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है. अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको निराशा ही होगा अगर यहाँ पे आएंगे तो. क्या है कि वीडियोस बनाने के अलाउ नहीं करते ये लोग. लेकिन ऐसा ट्रैवलर अगर आप यहाँ पे आके कुछ टैगोर साहब का घर देखना चाहते हैं, पुराने हिस्टोरिक चीज़ें वगैरह कुछ देखना चाहते तो आप मस्ट विजिट कीजिए. ऊपर जाके आपको टैगोर साहब का रूम मिलेगा. वहाँ पर उनका स्टडी रूम है, बेडरूम्स हैं, बहुत ही सुंदर है. बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे उन दिनों में शायद था. मुझे वो गार्ड ने तो वैसा ही बोला कि बस जैसा था वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं किया.
बस आपसे यही विनती है कि आपका भाई देखिए इतने गर्मी में कोलकाता में इतने रिस्ट्रिक्शन के अलावा भी वीडियोस बना रहा है आप सब के लिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करते हुए शायद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि तो मुझे बहुत सपोर्ट होगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको कोलकाता में कौन सी जगह देखना है, तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि उतना एक्साइटिंग तो नहीं रहा मुझे एज अ व्लॉगर, क्योंकि मुझे इतना शूट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, लेकिन वो भी फटाफट। लेकिन देखते हैं कि यार वीडियोस कैसा निकलता है, मैंने मेहनत तो बहुत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान लिखे उनके घर आना, उनके पुराने चीज़ों को देखना बहुत एक्साइटिंग है, यू नो हिस्टोरिक भी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं बाहर की साइड में और अंदर जाके सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अंदर के एरिया में फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है। जहाँ पे टैगोर साहब के पुरानी चीज़ें रखे हैं, उनके पेंट ब्रश है, उनके पेंटिंग्स है, पुराने डाइनिंग हॉल है, प्लेट्स वगैरह है, बेड्स वैसे ही है, पुराने चद्दर, पुराने तकिया, पुराने बेड्स, सब पुराने है। और जो आखिरी दिनों में उन्होंने बिताया था वो एरिया भी सब कुछ वैसा ही रखा है, और उनके किताबें जिन्होंने जो उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी सब वैसे ही। अंदर जब जाएंगे आप, जैसे आप अंदर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप पुराने ज़माने के घर में आए, पुराना चादर, सब कुछ पुराना, टेबल वगैरह, चेयर, उनकी जो प्लेट्स वगैरह है, चम्मच वगैरह सब पुराना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ टूरिस्ट। अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ी दिलचस्पी है, आप अगर आप हिस्ट्री में चीज़ें अच्छी लगती है, हिस्ट्री चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप बेशक आइए यहाँ पे घूमने, बहुत ही आना ही है। जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान लिखे उनके घर तो आना ही है। बहुत गर्मी है यार, बस आज के लिए वीडियो मैं यहीं बंद करता हूँ, और कल या परसों दूसरी जगह जाऊँगा, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल होगा, बहुत सी जगह है कोलकाता में घूमने के लिए। तो मैं एपिसोड बाय एपिसोड वीडियोस डालता रहूँगा, और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि यार आपको कौन सी जगह घूमना है, तो मैं आपको वही जगह घुमाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। आपका वजह से गर्मी में पैदल चलते हुए वीडियोस बना रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सपोर्ट करने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको पूरा कोलकाता दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए।